सब जानते हैं, मुसलसल कवरेज के दौरान हमने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपको एक पेज पर दिखाई देगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने समझौता कर लिया है और जराए के मुताबिक 70-30 के फॉर्मूले के तहत इतिहाद तय पाया है। लेकिन एक क्लियरेंस अभी होना बाकी है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि सुबह जम्मू के अंदर मुकम्मल तौर पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, जिसका सबको इंतजार है कि कौन लोग किन हिस्सों में कैसे सीटें या जो तकसीम करने का एक प्रोसेस रहता है अलायंस का, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और कश्मीर के अंदर अभी तक की मौसूल इतलात के मुताबिक और जो कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे जराए हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि श्रीनगर से तकरीबन 2, नॉर्थ कश्मीर से तकरीबन 3 और जनूबी कश्मीर से तकरीबन 4 सीटों पर इत्तेहाद हुआ है या कांग्रेस के उम्मीदवार इन सीटों से मैदान में उतारे जाएंगे। अगरचे कुछ नाम भी सामने आए, ताहम इसकी तस्दीक पार्टी की अलग क्यादत से किया जाना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है, जहां पर पिछले 10 वर्षों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी मजबूत रही, अगरचे हालात ज़रा मुख्तलिफ थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस भी उन जगहों पर दावेदारी उसकी काफ़ी मजबूत दावेदारी है, पेश करने के दावे कर रही है, उस पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर 70-30 का फॉर्मूला होता है तो इसका मतलब तकरीबन 1.5 या 2 दर्जन के आसपास या इससे कम सीटें ऐसी हो सकती हैं दोनों प्रोविंसेस में, जहां पर फाइनल मोहर जिन दोनों पर लगेंगी। और ये सब कब हुआ? जब कांग्रेस के मौजूदा सदर और साबिक सदर जम्मू कश्मीर आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में मुलाकात हुई। अब इसकी बात पर भी नजरें हैं कि क्या ये जो दोनों ने कल बातचीत की है इसके बाद इत्तेफाक तो इस बात पर करने की कोशिश है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटों पर बात बना लें, लेकिन क्या पीडीपी और दीगर हम ख्याल जमातों को साथ लेने की बात हो रही है? इस ताल्लुक से भी मजीद बात होना अभी आप देखेंगे आइंदा दिनों में होगा। कुछ पार्टियां वो ये बताती हैं कि उन्हें ऑफर नहीं आया और कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि वो तैयारी कर रही हैं कि बाकी जमातों के साथ बीजेपी को रोकने के लिए जाए, जबकि बीजेपी के मुताबिक वो अकेले दम पर तमाम सीटों पर जाना चाहती हैं। लेकिन पार्टी में मौजूद जरा ये भी बताते हैं कि 8 से 9 सीटों को कुछ एक हिस्सों के अंदर बीजेपी भी छोड़ने के लिए तैयार है। जरा इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। कल जब इत्तेहाद का ऐलान हुआ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी तस्दीक की कि 90 सीटों पर तमाम की तमाम सीटों पर अलायंस फाइनलाइज हो चुका है। इस इत्तेहाद में CPIM भी उनके साथ है, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब। तारेगामी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद इस प्रोग्राम में मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब। जो अगराज व मकासिद हैं, एक तो जिन अगराज व मकासिद को सामने रखकर यह इत्तेहाद बनाया गया, क्या इतना आसान होगा पहले के मुकाबले? जिस हिसाब से लोकसभा में आपने तारेगामी साहब एक साथ जाने की कोशिश की, अब जाकर असेंबली इलेक्शंस में, जबकि बिल्कुल इस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो हमारे सामने डिफरेंट है, कैसे ओवरऑल बदलती हुई सूरत हाल को और अलायंस के बीच में खुद को भी रखकर और बाकी दो बड़ी जमातों का साथ आना इसको देख रहे हैं? जहां तक अलायंस का ताल्लुक है सेकुलर पार्टियों के दरमियान, जिसका कल डॉक्टर फारूक साहब ने ऐलान किया, मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी, एक मजबूत कदम है। वो इसीलिए कि जिन चैलेंजेस का सामना है हमारे आवाम को जम्मू कश्मीर जी, गलत किया नहीं जा सकता और जो कुछ भी आज तक किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे हुकूक के साथ आईनी जो तहफ़ुज़ात मिले थे हमारे आवाम को जॉब्स के बारे में, लैंड के बारे में, और जो एक शनाख्त, तारीखी शनाख्त रही है हमारे इस सबसे ज्यादा अहम रियासत की, उस पर आंच आ गई जी। और इतना ही नहीं बल्कि अगर आप पूरा जायजा लेंगे, दावे बड़े किए गए लेकिन जमीनी हकायक क्या बता रहे हैं, तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। रोजगार का सवाल हो, आम लोगों के रहन सहन का सवाल हो, या इसके अलावा तिजारत का सवाल हो, जम्मू के बाजारों में जाइए, कश्मीर के बाजार में जाइए, आपको पता चलेगा वो गहमा गहमी नजर आती नहीं। इन्वेस्टमेंट के दावे और इसके अलावा
जो और मामलात हैं, बल्कि हकीकत ये है कि ज्यादातर कोशिश रही है सरकार की इंतजामिया की कि वो शिकंजे में कसे सियासी लोगों को, अखबार वालों को, मीडिया पर्सनल को, राइटर्स को, आम शहरियों को, और अगर कुछ ज्यादा नजर रही उनकी वो जेल खाना जात भरने की रही, चाहे यहाँ के जेल खाना जात हैं या रियासत से यूटी से बाहर के जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद नजर आएगी। ऐसा सपना देखा नहीं था, ऐसा नहीं कहा गया था, अच्छे दिन का वादा किया गया था। ये कहा गया था कि अब नया चैप्टर शुरू होगा तारीख का, नया चैप्टर धुंधलाहट से भरा हुआ है, नया चैप्टर मायूसी के सिवा और कुछ इसमें लिखा नहीं गया है। इसको बदलने के लिए एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है असेंबली के चुनाव के, जिसमें काफी ताखेर की गई, काफी ज्यादा रुकावटें भी रही। बहरहाल आज ऐलान हुआ और एक अपॉर्चुनिटी है हमारे आवाम के लिए, एक लेजिटिमेट फोरम है हमारे लिए जिसका इंतखाब करना है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। किन का इंतखाब कर ले? कम से कम उनका नहीं जिन्होंने हमारे हकूक के साथ खिलवाड़ किया। तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, डिलीब्रेशंस रात के वक्त में भी हुई, 12-1 बजे के आसपास भी मीटिंग्स हो रही थी, मजीद क्या कुछ तय पाया है? कुछ एक तो वो अगर जानकारी दे पाए, और तमाम मुतलकीन क्या मुत्तफिक हैं इस बात पे कि इत्तेहाद होना चाहिए? पहले तो ये कहा जाता था कि इत्तेहाद होगा नहीं, अब जब इत्तेहाद का ऐलान हुआ तो ये कहा जाता है कि इसमें रुकावटें हैं, रुकावटें रहेंगी। अरे साहब, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी आपस में बैठे और आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढे, उसमें लाजमी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ लोगों के अपने एस्पिरेशंस एम्बिशंस होंगे, लेकिन एक सिमत तय हुई है जिसको बदला नहीं जा सकता है, जो वक्त की जरूरत है, और कोई इन्हिराफ कर ले इस सिमत से वफा की गुंजाइश नहीं है। तेगामी साहब, ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल जब इत्तेहाद के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी हम ख्याल जमाते हैं इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई है जो दूसरे पार्टियों से बातचीत करेगी इस हवाले से? मैं एक बार फिर कहूंगा, मेरा ये मानना है एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते ये सवाल फेवर का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक मुतबादल चाहिए सेकुलर पार्टियों पर मुश्तमिल, जो एक डायरेक्शन रही है हमारी तारीख की। तकाजा है कि उस उन्हीं रास्तों पर चलने के लिए हम एक साथ मिलकर वादा बंद रहें, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी तक कुछ दूर हैं अलायंस से, कोशिश जारी रहेगी हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब थे इत्तेहाद के हवाले से, इन्होंने अपनी बात सामने रखी। इत्तेहाद के हवाले से मजीद बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट इमदाद साकी हमारे साथ है। इमदाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरह से आप इस इत्तेहाद को देख रहे हैं, और आने वाले असेंबली इंतखाबात पर इसका क्या असर पड़ेगा? कल फारूक साहब ने ये कहा कि हम 90 की 90 सीटों पे हमारा इत्तेहाद हो गया है जी। देर गई, शाम को ये खबर आई कि 70 और 30% का इत्तेहाद हो गया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये इत्तेहाद अभी तक मुमकिन है जब तक पूरी तरह से दोनों पार्टियां मुतमईन हों, और मुझे लगता है कि 50-50 भी नामुमकिन है, क्योंकि एनसीए कार्डर बेस्ड जमात है, उनकी कांग्रेस की मजबूरी है। यहाँ पे कांग्रेस चाहती है कि वो एनसी का दामन थाम के कुछ सीटें हासिल करें। कांग्रेस का वो बेस तो इतना नहीं है जितना एनसी का है, और लोग भी चाहते हैं कि एक बदलाव, उसके लिए उनके सामने एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो एक कार्डर बेस्ड हो, जो जिसमें फूट ना हो, जिसमें तफरीक ना हो, और जो मुमकिन तौर पर लोगों के जज्बात और एहसास की तर्जुमानी कर सके। और कांग्रेस बेशक जम्मू में वो कुछ सीटें निकाल सकती है और कश्मीर में चंद एक सीटें निकाल सकती है,
और अब भी नए सदर जो उन्होंने चार्ज संभाला है तारिक साहब करानी, उनका जो आसे रसूख है वो काम आ सकता है, वो मंजे हुए सियासतदान है कांग्रेस के लिए, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अभी भी चूंकि अभी इलेक्शन कल सिर पे है तो वो असर तो ज्यादा असर दिखा नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस और इसमें 20 और इसी की जरूरत होगी, कांग्रेस को 20% और एनसी को 80% की मुमकिन है, जहाज इसी पे होगा। बाकी तो अल्लाह जाने यहाँ पे कल क्या होगा, एक घंटे में क्या होगा, इतिहास रहेगा। पहले भी पीडीपी और सारी जमातें अलायंस के नाम पे जमा हो चुकी थी, कश्मीर का नाम ले रही थी, कश्मीरियत का नाम रोना रो रहे थे, तो उसका भी क्या हाजिर हो, ये देखना है कि ये क्या चल सकता है, ये इतिहास कब तक चलेगा और किन लाइनों पर चलेगा, ये देखना बाकी है। इमदाद साकी साहब, इतिहाद इतिहाद को कायम रखने के लिए मजबूत हो सकता है या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी चीज है कि वो थोड़ा सा काडर को और बेहतर और मुस्तकम कर सकती है, और जो नशीबो फराज चार पांच बरसों में पार्टी ने देखे उस एतबार से भी ठीक है कि चलिए जो आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम कर ही अगर कोई सीट जीतती भी जा सकती है, लेकिन वोट बैंक जो जो वोट शेयरिंग की बात होती है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट वहां पर भी नजर आएगी अगर वो इस अलायंस के साथ 4 अक्टूबर तक जाती है। नहीं, मैं वही अर्ज कर चुका हूँ कि अगर ये दोनों इकट्ठे लड़ सकेंगी, दोनों पार्टियां एक जुट के प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो मुमकिन है कि ये बहुत कुछ कर सकती हैं लोगों के लिए भी, और एक फ्रैक्चर मैंडेट डेफिनेटली होगा, लेकिन एक जैसा रिवल जिसको कहते हैं वो सामने आ सकता है। लोग चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसे लोग सामने आए जो उनके हित में काम करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों के सामने ऐसे वादे नहीं होने चाहिए कि जो नामुमकिन है, जिनको लोग मजाक समझे। लोग चाहते हैं कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, लैंड का मसला है, बाकी जो मसाइल है, लोग परेशान हैं इसमें, और लोग चाहते हैं कि एक बदलाव। और दूसरी मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो पार्टीज हैं अगर ये पुराने ही लोगों को सामने लाएंगे तो उनके लिए भी काफी मुश्किल सामने आ सकती है। कुछ नए चेहरे अगर सामने, जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में एक नया चेहरा, नए चेहरे लोगों के सामने लिए हैं और दे हैव डिलीवर्ड थिंग्स, और उसमें एक ऑक्सीजन मिल गई है पार्टीज को। इमदाद साकी साहब, ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो उनके हम ख्याल जमाते हैं उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो ये इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और क्या ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो उनके हम ख्याल जमाते हैं उनसे इत्तेहाद करने की कोशिश करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि ये अभी भी लोग भी चाहते हैं और पार्टीजों को ये पार्टीज जानती हैं कि बीजेपी उनकी हम ख्याल जमात हो ही नहीं सकती है, और कश्मीर में खास करके, कश्मीर में हालात तो दूसरे हैं और जम्मू के हालात दूसरे हैं। कश्मीर में लोग चाहते हैं कि उनकी रीजनल पार्टी जो है, खास करके MLA जो MC है या PDP है, वो अगर मिलके काम करती तो लोग, मुझे लगता है कि उनके साथ आते और उनका साथ देते, वो मुमकिन था वो इतिहाद। लेकिन अब जो छोटी छोटी पार्टियां मिलेंगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके साथ उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तनावर दर्द अभी भी समझा जाता है, तो वो छोटी पार्टियां इनके दामन में आ सकती हैं, उनको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद साकी साहब अपना तजिया पेश करने के लिए। सैयद तजम्मुल साहब भी श्रीनगर से हमारे साथ है। तजम्मुल साहब, पहले तो कोई अगर अपडेट हो, निसफ रात को भी हम देख रहे थे कि डेलीब्रेशन चल रही थी, कोई नतीजा निकला है? जम्मू प्रोविंस को लेकर पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई थी, और ये जो 70-30 वाले फॉर्मूले की बात कश्मीर प्रोविंस में हो रही थी, इसकी तस्दीक दोनों पार्टियों की जानिब से की गई, क्या मुतलकीन इस बारे में राय रख रहे? देखिये, रात भर जो डेलीब्रेशन रही या राहुल गांधी के जम्मू या नई दिल्ली रवानगी से कबल जितनी कोशिशें की जा सकती थी, ये इतना आसान नहीं होगा करीब आना, क्योंकि जिस तरह से इमदाद साहब ने भी कहा, तारिक आमिर साहब ने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो गवर्नमेंट में अलायंस रह चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी इनकी एक तारीख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, जब सियासी पस मंजर में देखते हैं तो एक दूसरे के हरीफ रहे, जब तक ना जम्मू कश्मीर में तीसरी रीजनल या कौमी पार्टी ने यहाँ पर अपना जो है सिलसिला जीत का शुरू किया। देखिए, ये तीन तारीखी फैसले हुए, आपने रात भर की डेलीब्रेशन में कहा, अभी तक साउथ कश्मीर की सीटों पर आज कंसेंसस फॉर्म दाखिल करने का मामला जो है वो आज PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी लीडर की तरफ से गालबन शुरू हो जाएगा, लेकिन आज साउथ कश्मीर का ऑब्जेक्टिव और फोकस होगा, कल या नॉर्थ कश्मीर और श्रीनगर की सीटों पर जहां मफाहमत नहीं है वहां बन सकती है। आसिफ, तारीखी पन्ने जब हम पढ़ते हैं तो तीन तरह के अभी तक हमने अकॉर्ड दिखे,
चाहे वो हमने शेख इंदिरा शेख अकॉर्ड देखा, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजू का मफाहमत देखा, और अब उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का हमने समझौता देखा। अगर हम इससे समझौता कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा उर्दू की डिक्शनरी के लिए, क्योंकि जिन हालात में दोनों पार्टियों को नजदीक आना पड़ा इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी तोड़कर जो है काफी लीडरान अपने पास बुलाए थे, कुछ लीडरान वापस आए, उनकी अभी तक एग्जिस्टेंस या कांग्रेस में एक्सेप्टेंस पर भी बातचीत चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह है कि उन्हें कांग्रेस ने कुछ मांगा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें अपने घर में कश्मीर आकर जो है नाराज या नाउमीद नहीं किया, लेकिन सीटें कितनी होंगी, 10 से 12 सीटों पर ही काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें डोडा की सीट पे इस वक्त तकरीबन नजीब सोहरावर्दी साहब और बाकी सीटों पर तारक हमीद कराबकार बानहाली, गुलाम अहमद मीर हाजी शिडार सोपोर और कई सीटों पर जो है समझौता इस वक्त आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। लेकिन जी कांग्रेस पार्टी के लिए नथिंग टू लूज, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी उस जो इजाद आ रही है, जो अलायंस में उनका सुप्रीमो हिस्सा होगा, कल को जब चीफ मिनिस्टर बनना हो तो 80% वाला सीटें वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जब रेवेन्यू और बाकी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री बांटनी हो तो 70% को जाएगी, बाकी बची SRTC ट्रांसपोर्ट सोशल वेलफेयर वगैरह वो शायद उसको दूसरी पार्टी को शेयर की जा सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के टूटने के बाद वो इत्तेहाद नहीं है, एक समझौता है, लेकिन इत्तेहाद तब होता जब आप PDP और बाकी पार्टियों को साथ लेने में कामयाब हो जाते, क्योंकि रिवायती तौर पर आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन 35 से 370 की बदलती तस्वीर को आपने इज्तिमाई बनाकर आगे बढ़ा, आपने इंफ्राजेट को खत्म किया था, और जिस अंदाज से जिस तौर तरीके से उमर साहब, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और मल्लिकार्जुन खड़के जी और बाकी लोगों ने कम वक्त में तय पाया कि हमने किस किस पार्टी को साथ देना है, वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे ये स्क्रिप्टेड था, और इसमें नजरियाती इख्तलाफ और जम्मू कश्मीर की मजबूरी को मद्देनजर नहीं रखा गया, यहाँ के हालात तो वाकया तो लोगों की जो बेबसी थी और जो उनका दावा था कि हम BJP के खिलाफ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर आसिफ, मैं आपको बता दूं, साउथ कश्मीर में आप डूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लॉ को लाते हैं, जुडिशियरी से लाते हैं, आज उसको मैंडेट नहीं है, वो तो अलग रास्ते जाएगा। अब मैंने कल जब ये रेडिसन ब्लू से बाहर आए तो मैंने कई कांग्रेसियों से बातचीत की, वो कहते हैं कि कश्मीर कांग्रेस एक नया ग्रुप बनेगा, और हमने जो कुर्बानियां दी थी वो कांग्रेस के मैंडेट के लिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस वर्सेस BJP है जम्मू कश्मीर की, और अब की बार कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो और समझौता सबसे बड़ा था। मैं वही पूछना चाह रहा था, ये जो मैंडेट पॉलिटिक्स है इस पर हमने कुछ पार्टियों का बहुत ज्यादा नुकसान पहले सिर्फ एक हफ्ते में देखा आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, यहां से आगे क्या तमाम मुतलकिन मुत्तफिक हैं, पार्टी काडर इस बात को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि इत्तेहाद होना चाहिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं मुश्किल वक्त में जो पार्टियों के साथ लोग खड़े रहे वो दोनों तरफ से मानते हैं कि अब शायद जिम्मेदारी आला क्यादत की भी है कि वो जो उन्होंने काम उस मुश्किल दौर से किया उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन आज जब मैंडेट दूसरी पार्टी को और अलायंस की बात की जाएगी तो नाराजगी वाला एक फैक्टर भी वहां नजर आएगा। देखिए नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूं, शायद ये दोनों साइड हो। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको एक लॉ लिमिनरी का नाम दिया जो काफी कुछ अपना तजुर्बा हासिल करके किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के आया था, उसके बाद उन्हें मैंडेट नहीं मिलेगा, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेगा। उसके बाद जब आप श्रीनगर आते हैं तो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सीटें, दो सीटें काट के कांग्रेस को देगा, क्या कांग्रेस का उतना कीमा तारक हमीद करा कि इंडिविजुअलिटी माइनस करके क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले में कांग्रेस ठहरता, क्या PDP के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मफावत 4 सीटों की बात हो सकती थी। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने कांग्रेस लीडरों से बात की, कुछ लोग नए नए प्रवक्ता बने थे और कोर्ट चैंबर वगैरह छोड़कर आए थे, कांग्रेस पार्टी की बड़ी खिदमत की, उसके बाद उन्हें मैंडेट तो नहीं है बल्कि उन्हें जरूरत भी नहीं समझते कि उसकी कैंपेन की भी जरूरत है, क्या उन्हें स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, ये एक तरह की कहानी है। दूसरी कहानी है जब आम लोगों से हम बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि क्या दो रिवायती पार्टियां जिनके पास कॉडर है, जिनके पास सीटें हैं, जिनके पास वोट है, वो अलायंस में नहीं है, और तीसरी पार्टी अलायंस का हिस्सा है जिसका फिलहाल जम्मू कश्मीर में उतना ज्यादा दबदबा नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डोमिनेंस रखकर कांग्रेस पार्टी पर एहसान रखना चाहती है कि हमने आपको साथ दिया। लेकिन अब ये नतीजे अगर हासिल नहीं हो तो हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मजबूती तौर पर नफा नुकसान की बात बड़ी पहल करेगी, क्योंकि अगर आप साउथ कश्मीर जाएंगे आप कांग्रेस पार्टी को मैंडेट देते हैं जहां कांग्रेस पार्टी का क्वार्टर है, लेकिन उसके बाद आपका क्वार्टर उतना मजबूत वहां पे नहीं है, तो नतीजा कैसे आकर्ष होगा। दूसरी बड़ी बात, जहां आपने नॉर्थ कश्मीर की बात की,
क्या नए लीडरों के कांग्रेस में रातों रात एंट्री करने के बाद मैंडेट उन्हें दिया जाएगा? बिल्कुल, इस पर सवाल पूछे जाने का आखिरी चीज एक मुख्तसर जवाब। अवामी इत्तेहाद पार्टी कह रही है हमें कोई ऑफर नहीं आया, अपनी पार्टी कह रही है हमने बात की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पीडीपी अभी दूर है, क्या होगा? बाकी कुछ लोग ज्वाइन करने की तैयारी में है, कोई किसी की नब्ज बता रही है कि ज्वाइनिंग के वो ख्वाहिशमंद है? देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं, एक जिसको मैंडेट मिला वो खुश है, जिसको मैंडेट नहीं मिला वो नाराज है, और किसी भी हद तक जा सकता है। अब उस नाराजगी को दूर करने के लिए इन पार्टियों ने कोई फार्मूला तरतीब नहीं दिया। 8 सीटें कांग्रेस को मिलती है तो समझौता है, 10 मिलती है तो 12 मिलती है तो समझौता है, इससे आगे आपको मांगने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने कई पार्टियों का जिक्र किया जिसमें नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक पार्टियां जो हैं उन्हें ऑफर नहीं आया। देखिए, ये एक मिला जुला रदमल है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला फारूक साहब, खड़के जी, वेणुगोपाल रॉय जी जो आए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही आए थे, सिर्फ इसलिए आए थे कि आप सीटों को बढ़ा सके। पहले 5 पे गाड़ी अटक गई थी, फिर उतर गई पटरी से 8 सीटों पर, अब 10 से 12 सीटों पर अगर समझौता हो जाता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सियासी नाकदीन मानते हैं। दूसरी पार्टियों के लिए भी दरवाजे खुले हैं तो ये सिर्फ कहने की बात है, जमीनी सूरतेहाल पर मतलब इसके लिए तैयार नहीं है ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो कांग्रेस किसी दूसरी तीसरी जमात को साथ लेने के लिए? और दूसरा ये कि वोटर इस बारे में क्या सोचता है, ये जो इत्तेहाद हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, क्या वोटर इसके लिए तैयार है? बड़ी अहम बात है कि क्या वोट ट्रांसफर हो सकता है और कितना ट्रांसफर हो सकता है, कहीं उसमें तीसरी पार्टी आपको पीछे तो नहीं छोड़ेगी, और वोट ट्रांसफर होना न होना ये एक बहुत बड़ा मामला है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन जो पार्टियां इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है, डोर्स आर ओपन फॉर ऑल द पार्टी, उसका ये मतलब है कि आप इन 90 लीडरान के लिए आप कंपेन करें। जिस तरह से पहले तारिकामी साहब से आसिफ साहब ने पूछा था, 90 सीटों का जो आपका मुश्तरका समझौता है, इसमें आप कांग्रेस पार्टी को 10 से 8 सीटें दे रहे हैं तो 82 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इजादारी रहेगी, उनका कंट्रोल रहेगा, वो इस पे बहुत ज्यादा रोल हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर वोटरान की जब आप बात करते हैं, वोटरान बड़ा कंफ्यूज है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कांग्रेस को कैसे दे सकता है, कांग्रेस का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और बाकी रिटर्न इकट्ठा समझौता करेंगे, लेकिन इसके बाद जब प्रीपोल अलायंस के बाद जब आपने हुकूमत बनानी है तो आपको फिर दोबारा उन सीटों की जरूरत पड़ती है जिनको आप मुश्किल और भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।